बड़ी मुश्किलों के बाद ये भैया आए एसी फिट करने के लिए, और बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों यहाँ पे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, शोर हो रहा होगा। अभी मैंने बच्चों का रूम सेट करा है, झाड़ू पोछा लगा दी यहाँ पे। और टिनटिन है अभी मामा के घर अपने, वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं अभी जब तक एसी नहीं लगता तब तक हम आएंगे नहीं, और एसी लग गया तो आज आ जाएंगे। बोल दिया मैंने उनको आ जाओ, और वो अपनी अलमारी अपने आप एडजस्ट करेंगे। तो उनके रूम में मैंने सोने का वो करा है, एक एक्स्ट्रा गद्दा लगवाया है यहाँ पे चीकू के लिए। जो भी सोएगा, टिनटिन है, चीकू जो भी सोएगा, एक बेड है। और अभी गर्मियों में तो हम सब यहीं पे सोएंगे क्योंकि यहीं पे लगा है एसी, तो अभी यहीं पे एडजस्ट करेंगे बच्चों के ही रूम में। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए उनका रूम, और एसी लगा दिया। इसके पीछे से भी पर्दा लगाया है खिड़की के पीछे से, यहाँ बहुत तेज धूप आती है। और ये उनकी अलमारी है, उनके अलमारी में रखा है अभी मैंने बिस्तरा, और अभी उनके कपड़े हैं ये उनके लिए बनाए, दोनों के लिए। बीच में सेल्फ लगाई कल मैंने, कल लगवाई थी। और एक में टिनटिन के और एक में चीकू अपने आप रखेंगे कपड़े, वो एडजस्ट। और ये इनके स्कूल की ड्रेस टांग रखी है यहाँ पे, और ये नीचे बेड अभी ये कपड़े हैं, वो टिनटिन को बुलाया मैंने तो अपने आप एडजस्ट करेगा अपने कपड़े। और ये बेड, और यहाँ पे ये इनके ये रखा है चेस्टर रखा है इनके लिए, तो इसमें उनकी बुक्स वगैरह आ जाएंगी। बस और कुछ नहीं रखना है इनके रूम में, तो खाली रहेगा ज़्यादातर। ये हमारी बालकनी जो दोनों बेडरूम में आती है, बच्चों के भी और हमारे बेडरूम में भी। तो काफ़ी बड़ी बालकनी है वहाँ तक है, वो टिनटिन और के रूम की बालकनी है वाली। तो वहाँ पर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, उसको एडजस्ट करूँगी बाद में। और यहाँ रखा है वॉशिंग मशीन, काफ़ी शोर हो रहा है बाहर। तो ये भी बंद कर दिया मैंने। और ये है हमारा जीना, अभी कबाड़ी वाले को बुलाना, सामान रखा है पूरे जीने में। और ये कमरे रखे मैंने यहाँ से, और यहाँ पे है खिड़की खुली हुई, और ये है जीना हमारा, और काफ़ी बड़ा है। साफ करते करते हालत ख़राब हो जाती है, और ये सब कबाड़ी वाले के लिए रखा हुआ है। और ये है छत का दरवाज़ा, जो छत हमारी है। तो अभी पोछा लगाते लगाते बहुत थकान हो गई है, तो एक पोछा लगा दिया, साफ कर दिया झाड़ू से। अभी जीने में और सामान रखना है कबाड़ी वाले के लिए, तो वो रखूँगी अभी। हाँ, थक गई हूँ मैं, कभी ज़िंदगी में इतना सारा काम नहीं किया मैंने, क्योंकि वो गवर्नमेंट फ्लैट थे तो उनमें इतना काम नहीं होता। और यहाँ तो बड़े बड़े कमरे थे, इसमें तो हालत ख़राब होगी। जीना साफ करना है, ऊपर नीचे दोनों, दो बालकनी है बड़ी बड़ी दो, उनको भी साफ करना। और ये ड्राइंग रूम तो बड़ा है काफ़ी, दिखाते हैं अभी। दिया मैंने साफ, और ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया क्योंकि यहाँ से काफ़ी हवा आती है, तो वहाँ से मिट्टी भी आएगी। तो ये टीवी है, इनको लगाना है अभी। और ये कर दिया मैंने सारा साफ, और झाड़ू पोछा दोनों लगा दिया। अब बाहर जीने में भी लगाया, तो अब देखूंगी। अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, किचन में बहुत सारा मतलब बहुत वो रखा काम। तो अब मैं फ्रिज भी साफ़ करनी है, बहुत गंदी हो रही है, तो फ्रिज का भी अंदर से पूरा साफ करूंगी। थक गई। तो दोस्तों देखो इस कमरे में कितनी धूप आती है दिन में, और इस पर डबल पर्दा लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे अभी सामान फैला है तो वो भी एडजस्ट करना है मैंने, दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये मैंने अभी ये लगवाया है, ये वाला ये बोर्ड लगाया है इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि इतना सारा गैप था इसमें, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बोर्ड लगा दिया बीच में, तो ये थोड़ा डिवाइड हो गया, और काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारे कपड़े आ सकते हैं इसमें। तो अभी इनको सेट करूँगी मैं। और ये सामान अभी यहीं पर फैला हुआ, इसी कमरे का सामान है ये, तो ये भी सेट करना है मैंने कपड़े वपड़े सारे। तो अब मैं करती हूँ इसको सेट, और सब कमरों में हो गया सामान सेट। और अभी ये बच्चों के बॉक्स पड़े हुए हैं, उनमें इसके फोल्डर वगैरह हैं, तो ये भी करने मुझे। काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ मैं, और हो गई है रात, क्योंकि पूरे दिन भर मैं काम ही कर रही थी, काम में ही बिजी हो रही थी। वो अलमारी ठीक करने में लग गई थी मैं, तो उसको ठीक कर रही थी, और तब तक ये भी ऑफिस से आ गए। और अभी लाए हैं, अभी मार्केट गए थे सुबह से, मैं अभी शाम को ही उतरी हूँ। कुछ काम था, टिनटिन की बुक्स लेनी थी,
तो इस बहाने में मार्केट भी चली गई और मैं खाने के लिए उन्होंने कुछ मंगाया कि भाई कुछ ले आना बाहर से खाने के लिए, तो वो भी लाई हूँ मैं खाने के लिए। KGN है यहाँ पे, तो उसकी बिरयानी काफी फेमस है। और क्या यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि तब से मैं था टाइगर और यहाँ पे मतलब मामा जी और यहाँ पे, तो ये टिन इतने दिनों बाद आज आया है, इसको बोल बोल के भी आ जाओ अब आ जाओ, अब तो हमने शिफ्ट कर लिया, अब तो आ जाओ यहाँ पे। और चीकू तो आने को तैयार ही नहीं हो रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि मकान घर काफी बड़ा है, लोग बहुत कम है, सुनसान सा लग रहा है। तो अब लाई हूँ, दिखाती हूँ क्या लाए। और रुमाली रोटी और क्या है तंदूरी रोटी, बटर तंदूरी का, हाँ बटर रोटी। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। यह है बटर चिकन जो काफी अच्छा दिखाई दे रहा था और बटर ही बटर था उसमें। और ये प्याज और चटनी दे रखी, ये रुमाली रोटी और ये चिकन बटर चिकन काफी बढ़िया है। तो दोस्तों खा लिया पी लिया हमने और नहा भी लिया, क्योंकि पूरे दिन भर के कपड़े रहते हैं गंदे, काम करते करते गंदे हो जाते हैं, तो मैं रात को ही नहा के अपने कपड़े चेंज करके तब सो गई। और एडिटिंग करते करते मुझे टाइम हो गया था, 12 बज गया और ट्रीटमेंट सो गए हैं यहाँ पे, मिस हो गया। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आपको बाय बाय एंड गुड नाइट, और कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।